जब पुराना गेट होगा वही मैं आपको दिखलाऊंगा कि पुराना गेट कैसा था। किले विले दिखा दे सारे। भाई ये आ चुकी है हमारी कड़ी कचौड़ी, क्योंकि राजस्थान में कड़ी कचौड़ी मिलती है, आलू कचौड़ी नहीं मिलती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं राजस्थान, राजस्थान पहुंच चुके हैं। रात को हम लोग नहीं बना पाया क्योंकि काफ़ी अंधेरा था और वीडियो साफ नहीं आ रही थी, तो अभी सुबह ही है, मैं सुबह इसलिए मैंने वीडियो बना ली है। और हम कहा हम जा रहे हैं राजस्थान अपने गाँव, कुछ काम है उसलिए आए हैं। तो हम सब आए हैं, चाचा आए हैं, पीछे चाचा बैठे हैं, सब आए हम। और भाई साहब यहाँ का नज़ारा एक नंबर का, देख रहे हो कितनी हरियाली है, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, बारिश हो रही है, तो हरियाली सब जगह हरियाली ही हरियाली है। हमारे गांव बन रहा होटल, अब बढ़िया होटल बन रहा है गांव के अंदर, भाई साहब एक नंबर। भाई अभी हम पहुंच चुके अपने गांव, और गांव का जो गेट है, पहले पुराने जमाने का गेट था वो टूट चुका है, अब ये बना है नया गेट। जब पुराना गेट होगा वही मैं आपको दिखलाऊंगा कि पुराना गेट कैसा था। चाय नहीं भी कुछ भी नाश्ता था कुछ नहीं करा, तो अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, हम थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे हल्का फुल्का, और यहाँ क्या मिलता है खाने के लिए वो भी देखते हैं। तो भाई ये है अपने गांव के ढाबे होटल। तो भाई ये आ चुकी है हमारी कड़ी कचौड़ी, क्योंकि राजस्थान में कड़ी कचौड़ी मिलती है, आलू कचौड़ी नहीं मिलती। चेक करके देखते हैं कैसी बनी है, कैसी बनी है चाचा? अच्छी है, बढ़िया बनी है, दिल्ली वालों से भी ज़्यादा अच्छी है। पहुंच चुके हम अपने गांव, और हमारा गांव दिखने में कुछ ज़्यादा लगता है, देख रहे हो अभी भी मकान वैसे बने हुए, जैसे पुराने जमाने बने हुए थे मकान, यहाँ पर अभी भी वैसे ही मकान बने हुए हैं ज़्यादातर, देख रहे हो। रोही पूरा जंगल हुआ पड़ा यहाँ पर, ये हमारी जगह है। और यहाँ ये मंदिर है हमारे भूमि बाबा का, और ये है अजबगढ़ का हॉन्टेड किला। तो
तो अभी हमारे पास 3-4 दिन है, अभी हम 3-4 दिन यहीं रुकेंगे, तो हम यहाँ भी होके जरूर आएंगे, क्योंकि जब जब गांव आए हम यहाँ तक यहाँ पर होके नहीं आए। तो और अब हम जा रहे हैं नारायणी माता के, हमारे माता के दर्शन भी कर लेंगे और नहा भी लेंगे, हमारे दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ पे काफी बंदर होते हैं यहाँ पर, और ये है नारायणी माता का गेट। अरे बंदर हट जाओ भाई, सामने बैठो। इधर आपको सामने शॉपो दिख रहे होंगे, यहाँ लोगों ने शीशे लगा रखे हैं, तेल लगा रखे हैं, मतलब आप यहाँ पे नहाइए और सामने आके आप कंघी करिए, तेल भी लगाइए, मतलब उसकी पूरी सुविधा है। ये स्कूल के बच्चे आए हुए हैं नारायणी माता के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर लेडीज़ों का अलग है और जेंट्स का अलग है नहाने का। और जो ये पानी आता है ये कुदरती है, ये कुदरती जमीन से पानी निकलता है, ये माता रानी की कृपा है जो यहाँ पर जमीन से कुदरती पानी निकलता है। हम सबने ले लिया प्रसाद और हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये है यहाँ की मार्केट, ये माता रानी का मंदिर। नारायणी माता का कुंड, यहाँ कुदरती पानी आता है, यहाँ कोई पाइपलाइन कुछ भी नहीं है, कुदरती यहाँ जल भरता है। तो भाई अब हम आ चुके हैं घर, पूजा बचन से आ गई थी तो हमें रात को ही घर वापसी आना पड़ा। हमारा प्लान था कि हम 2-3 दिन रुकेंगे, थोड़ा कुछ जो काम था हमारा वो काम करेंगे, हमारा वो काम भी नहीं हुआ, तो कुछ एमरजेंसी ज़्यादा आ गई थी, तो इस वजह से हमें घर वापस आना पड़ा। कोई नहीं, अभी हम दोबारा जाएंगे, तो वहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको दिखलानी और बतानी है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो क्या देखने लायक चीज़ें हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।